हे गाइस वेलकम बैक। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। एंड ये हमारी आर्क सर्वाइवल इवॉल्व की सोलो सर्वाइवल सीरीज का होने वाला है एपिसोड नंबर 84। तो गाइस यार, जैसे कि आप सभी भाइयों ने हमारे पिछला एपिसोड में देखा होगा जहाँ पे हम डंजन करने गए थे, क्योंकि डंजन में जो है गाइस कुछ नए डायनोस के आए थे जो कि कलरफुल थे एंड उनका इम्प्लांट्स मेरे को चाहिए था। एंड कुछ डायनोस का इम्प्लांट्स मैं ऑलरेडी अपने साथ लेके आया हूँ, पर उसे जो है ना गाइस अभी हम टेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास इतना एमरल्स नहीं है। तो यार मुझे डंजन में जो है ना कुछ टैक के सैडल्स मिली एंड उनको बनाने के लिए मुझे ब्लैक पर्ल चाहिए थे। तो मुझे पता नहीं था यार ब्लैक पर्ल्स किस तरीके से फार्म करते, तो मैंने इंटरनेट में काफ़ी ज़्यादा तरीके से रिसर्च किया एंड फाइनली यार मेरे को एक डायनो के बारे में पता चला जो कि ब्लैक पर्ल्स फार्म करता है। फिर क्या था गाइस, आज जो है ना हम उसी डायनो को टेम करने वाले हैं, पर उसके रिलेटेड हम बात बाद में करेंगे। एंड आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आयरन फार्म कर रहा हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि अभी जो है ना हम लोग वेल्केनो में एक आयरन का फुल्ली आयरन का बेस बनाने वाले जिसमें ए टू जेड सामान यार आयरन को होगा। एंड आप लोग तो मेरे इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट देख सकते हो जिसमें लगभग 6000 करीब मेटल है भाई, काफ़ी गजब की है इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट। एंड मैं रिकमेंड करूंगा यार आप लोग भी बना लीजिए। एंड देखो गाइज, ये हमारा छोटा सा आयरन का बेस जो कि फुल्ली आयरन को होगा। रेफ्रिजरेटर हो गया, इसमें वॉल्ट हो गया, सारी की सारी आयरन की लगेगी, इवन बेड भी। सो उसके लिए बनाने में गाइज काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि रिसोर्सेज फार्म करने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। सो जैसे ही गाइज हम लोग बना देंगे ना, तो हम अपना पूरा का पूरा बेस यहाँ पर ट्रांसफर कर लेंगे। ओके गाइज, अभी जो है ना अपन लोग निकलते हैं क्योंकि गाइज आज की वीडियो में हम टेम करने वाले हैं यहाँ पे ऑटर, क्योंकि यार ऑटर मुझे पता चला कि ब्लैक पर्ल्स फार्म करता है। सो मुझे ब्लैक पर्ल्स चाहिए, देखते हैं गाइज ऑटर कितना ब्लैक पर्ल्स फार्म करता है, वो तो जाके ही पता चलेगा। अभी जो है ना गाइज हम लोग यहाँ पे से निकलते हैं सीधा अपने बेस में, क्योंकि ऑटर को टेम करने के लिए मेरे को चाहिए स्मूथिंग बैम। एंड स्मूथिंग बम तो है नहीं यहाँ पे, पर यहाँ पे कुछ गाइस टॉक्सिकेंट एरोज हैं, उसको लेके चलता हूँ क्योंकि वो पैसिव टेम है या फिर नॉकआउट वाला टेम है वो तो मुझे नहीं पता। सो वो तो गाइस वही पता चलेगा। अभी जो है ना हम लोग फटाफट से यहाँ से निकलते हैं सीधा अपने मेन बेस में। ओके गाइस, यहाँ पे हम लोग अपने मेन बेस में आ चुके हैं। अभी थोड़ा सा लैग होगा पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि गाइस वहाँ पे डाइनोस काफ़ी ज़्यादा है, सो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ओके यार, मुझे लगता है रात काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, सबसे पहले मैं यहाँ पे सो जाऊँगा एंड आपसे मिलता हूँ मैं डायरेक्ट मॉर्निंग में। सो गाइस यहाँ पे मॉर्निंग हो चुका है, अभी मैं फटाफट से स्मूथिंग बैम निकाल लेता हूँ क्योंकि गाइस ऑटर को टेम करने के लिए स्मूथिंग बैम भी चाहिए होगा और हमारे पास यार फ्यूल नहीं है। तो समझ रहे हो गाइस, अभी अपने को फ्यूल भी फार्म करना है। पर मुझे एक कमेंट आया था जिसमें एक भाई ने बोला था यार भाई अगर आपको फ्यूल चाहिए तो आप बैसिलोसॉरस को किल करो एंड उससे जो है ना आपको लगभग 500 क्रूड ऑयल मिल जाएगा। तो यार करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो में जो है ना गाइस हम बैसिलोसॉरस को किल करके आएंगे, देखते हैं वो भाई ने सही बात बताई है या फिर गलत बात। तो भाई यहाँ पर मैं लगभग रेडी हो चुका हूँ एंड फाइनली गाइज अब हम चलते हैं ऑटर को टेम करने के लिए। एंड ऑटर को टेम करने के लिए गाइज क्या क्या चाहिए होगा, वैसे ट्रैप बनाना तो पड़ेगा क्योंकि गाइज वो पानी में तैरता है और पैसिव टेम होगा, तो ट्रैप की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। ऑलरेडी गाइज मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है छोटा सा ट्रैप, तो ये सारे का सारा सामान मैं अपने बैकपैक में रखता हूँ। एंड अभी जो है ना गाइज मेरा आरजे किधर है, ओके ये रहा मेरा आरजे, लेट्स गो गाइज अब हम लोग चलते सीधा ऑटर को सर्च करने के लिए। एंड ऑटर की सर्चिंग लोकेशन गाइज काफ़ी ज़्यादा सकम है, मेनली गाइज जो ऑटर है ना वो हमें रेडवुड वाली रिवर्स में मिलता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, तो जितना भी गाइज रेडवुड है ना, ये जो रिवर्स है छोटी छोटी वहाँ पे गाइज आपको ऑटर्स मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं एंड ऑटर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है। तो आपको यार हर जगह ऑटर नहीं मिलने वाले, वो काफ़ी कम जगह है जहाँ पे आपको ऑटर्स मिलेंगे। और एक लोकेशन और है जहाँ पे गाइज मैं अपने ट्रैप लगाऊंगा, वहाँ पे भी ऑटर काफ़ी ज़्यादा स्पॉन होते हैं, क्योंकि मैंने एक दो बार ही देखा है, ज़्यादा भी नहीं देखा। सो मैंने डिसाइड करा यार मैं अपने ट्रैप जो है ना यहीं पे प्लेस करता हूँ। ओके मैं ऑलरेडी पहुँच चुका हूँ एंड यहाँ पे जो है ना कैस्ट्रॉइड भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार। टाइटन बोआ एंड काफ़ी ज़्यादा भाई लोग बोल रहे थे कि भाई यार टाइटन बोआ का टेम करो। गाइज टाइटन बोआ टेम नहीं होता है, वो नॉन टेमेबल है भाई। एक बार ही ऑर्डर चेकआउट करता हूँ, यहाँ पे गाइज काफ़ी ज़्यादा मैंने ढूंढने का ट्राई किया पर ऑर्डर मेरे को दिखा नहीं।
तो मैंने डिसाइड करा यार चलो ऑर्डर अभी नहीं दिखा तो बाद में क्या पता कभी ना कभी तो यहाँ पे स्पॉन ले गई, तो मैं अपना ट्रैप लगा लेता हूँ। ट्रैप लगाने के लिए गाइस मेरे को एक काफी गजब की लोकेशन मिली जो कि ये है। ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे अपना ट्रैप प्लेस करते हैं। सो जितना भी गाइस मेरे पास ट्रैप का कंपोनेंट्स है ना, उसको अपने हॉट बार में रखता हूँ, जिससे प्लेस करने में काफी ज्यादा ईजी होगा। तो चलो यार फटाफट से ट्रैप बनाते हैं अपने ऑर्डर के लिए। ठीक है गाइस, अपन बनाने वाले 2x2 का। तो भाई अपना बेस बन के लगभग रेडी हो गया है। अभी जो है ना अपने को यहाँ पे वॉल प्लेस करना है। ओके गाइस, लगभग वॉल प्लेस हो गया और यहाँ पे से जो है ना अपन को बाहर निकालने के लिए डोर फ्रेम एंड डोर लगाना होगा। एंड ऊपर चढ़ने के लिए मेरे को एक रूफ चाहिए जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, सो रूफ लगा लेते हैं। तो गाइस देखो, मैं अपना आरजे से ऑटर को उठा के लेके आऊंगा, इसके अंदर डालूंगा एंड बाहर से मैं इजीली ऊपर भी जा सकता हूँ। तो यार एटलीस्ट एक बार यहाँ पे ऑटर को सर्च करने का ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे ऑटर तो नहीं, पर मेरे को मेगा पिरानास काफी ज्यादा दिख रही है। भाई भागो यहाँ पे से। चलो गाइस एक बार ही आगे चल के देखते हैं, क्या पता आगे मिले। तो लेट्स गो, एक डुबकी लगाते हैं एंड टूटने का ट्राई करते हैं। भाई यहां पे कहीं पे तो मेरे को ऑटर नहीं दिख रहा है। सो गाइस फाइनली यहां पे ऑटर नहीं है। अब मुझे लगता है मेरे को रेडवुड के बगल बगल में जो रिवर है ना वहां जाना पड़ेगा। एंड फाइनली यार मैं आ चुका हूं अभी रेडवुड में। एंड ऑटर को सर्च करने में गाइस मेरे को लगभग 1.5 से 2 घंटा लगा। एंड अभी जो है ना गाइस, मैंने डिसाइड करा अभी मैं रिवर में तैर तैर के स्विम करके ही जाऊंगा। एंड जहाँ पे भी ऑटर का आवाज आएगा ना अपने को, तो अपन लोग ढूंढने का ट्राई करेंगे। एंड फाइनली यार यहाँ पे मैं तैर तैर के काफ़ी ज़्यादा आ गया था। एंड फाइनली यार यहाँ पे ऑटर का आवाज आने लगा था, पर ऑटर है किधर वो देखना होगा। भाई इधर ही है, आवाज़ तो आ रहा है इस ऑटर का चिल्लाने का। देख रहे गाइस ये लोकेशन है एंड अपन कहां से तैरते आए। ओके इधर ही किधर है ऑटर, आवाज आ रहा है। ओके गाइस ये रहा, देखो तैर के गया आगे। ये ऑटर तो नहीं है, टेरर बर्ड्स है। फिर भी मैं एटलीस्ट एक बार ही जो ना अपने आरजी के ऊपर बैठ जाता हूँ एंड ऊपर से देखने का ट्राई करूंगा, मे बी ऑटर दिखेगा। ये तो टेरर बर्ड्स है, ऑटर तो यहाँ पे नहीं है। इनको मारे, वैसे मार के कोई फायदा नहीं। अभी अपन जिस काम के लिए आए वो काम पहले करते हैं, बाकी इनको मारना तो चलता रहेगा। भाई दिख नहीं रहा है। ओके गाइस वो रहा, देखो दिखा दिखा दिखा, उठा तो मैं आर्चे से। उठाया आपने आर्चे ने? नहीं उठाया। ये रहा तैर के जा रहा है, पकड़ो। ओके गाइस फाइनली हम लोगों ने ऑटर उठा दिया है एंड फटाफट से हम लोग चलते हैं सीधा अपने ट्रैप के पास, जहाँ पे हम लोगों ने ट्रैप बना के रखा हुआ है। तो इसको फटाफट से लेके चलते हैं एंड वहाँ पे फेंकेंगे एंड सीधा टेम करेंगे। एंड वहाँ पे पहुँचने तक यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा अपने को। ओके गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सबसे पहले तो इसको आराम से ट्रैप के अंदर डाल लूंगा, बस ये बाहर ना निकल जाए वहां से। ओके फाइनली गाइस हम लोगों ने ट्रैप के अंदर डाल दिया है एंड ये आराम से यहाँ पे बैठ जाएगा। अगर पैसिव टेम होता ना गाइस तो ये काफी ज्यादा तेज भागता। तो देखते हैं क्या पता पैसिव टेम होगा एटलीस्ट, या फिर नॉकआउट करना पड़ेगा। पर मेरे को फूड का भी ज्यादा जरूरत है। ओके हमारा फूड तो ऑलरेडी कुक्ड है, तो जितना भी फूड कुक्ड है वो मैं अपनी इन्वेंट्री में ले लेता हूँ एंड हॉट बार में रख दूंगा। चल भाई तू आरजे स्टॉप हो जा एंड आराम से तू बैठ, अभी हम लोग ऑटर को टेम कर रहे हैं। ओके गाइस ये रॉ फिश मीट से टेम होगा एंड पैसिव टेम है, तो मैं इसको आंसर करता हूँ। सबसे पहले तो एक स्मूथिंग बैम दे देता हूँ और एक रॉ मीट दिया ना, नहीं फिश मीट, लगभग गाइस ये 60% एंड दूसरे बाइट में तो ये 101% एम हो जाएगा। अभी मेरे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
कब तक होगा ये? मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक आप लोग वेट कर लेते हैं। अबे ऑटर कब तक खाएगा? ओके चलो गाइस, फाइनली हमारा ऑटर टाइम हो चुका है। अभी इसको फटाफट से यहाँ से बाहर निकालते हैं एंड हम लोग यार ब्लैक पल्स फार्म करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो गाइस, मैंने ऑटर को टेम कर लिया है, लेट्स गो। क्या करें, इसको अपने मेन बेस में लेके चले? नहीं, इसको यहीं पे करते हैं ना। तो चलो एटलीस्ट एक बार ब्लैक पल्स फार्म करने का ट्राई यहीं पे करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ। चल भाई मेरे पीछे आना। ओके, अटैक टारगेट है वो, सही है। तो इससे जो है ना गाइस, अपने को ब्लैक पल्स किस तरीके से मिलेगा? अपने को मेगा पिरानास को इससे मरवाना है। मतलब ये जो है ना मेगा पिरानास को मारेगा एंड हार्वेस्ट करेगा, तो उसी से जो है ना गाइस, कभी हमें ब्लैक पल्स मिलेंगे, कभी हमें सिलिका पल्स मिलेगा। तो मैं ऐसे करता हूँ ना, ये थोड़ा सा इसको प्रोटीन डस्ट दे देता हूँ, जिससे इसका काफ़ी अच्छा लेवल इंक्रीज हो जाए। भाई लेवल तो मिल चुका है अपने को, तो मैं इसका हेल्थ में डालता हूँ, क्योंकि हेल्थ इसका काफ़ी ज़्यादा कम है यार, 200 का हेल्थ है। कोई भी डायनो फटका मारेगा ना, ये एक ही फटके में मर जाएगा। ओके, लगता है ये मेरे को बता रहा है कि इसको ऊपर किस तरीके से बैठाते हैं। हाँ समझ गया। चल भाई नीचे उतर जा, बहुत हो गया। ओके गाइस, फाइनली हमारे ऑटर का लेवल अप है, तो फटाफट से लेवल अप करते हैं एंड अभी जो है ना हम लोग थोड़ा सा असली ब्लैक पल्स फार्म करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं मेगा पिरानास को ढूंढ रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा ढूंढने का ट्राई करा, मेगा पिरानास तो यहाँ पे नहीं मिली। लगता है यार अपन लोगों ने मेगा पिरानास को मार मार के यहाँ से विलुप्त कर दिया है। थोड़ा सा मैं ऐसे करता हूँ ना, वुड एंड फ्लिंट वगैरह फार्म करता हूँ, क्योंकि मेरे को स्पीयर बनाना है एंड अपनी शॉट से मारने का ट्राई करूँगा, तो जो मेगा पिरानास है वो एक ही शॉट में ख़त्म हो जाएंगे। सो मैंने डिसाइड करा मैं वुडन के स्पेक्स बना लेता हूँ, वुडन के स्पीयर बनाता हूँ एंड उसका हेल्थ जो है ना मैं अपने स्पीयर से कम करूँगा एंड जिससे जो है ना अपना ऑटर उनको इजीली मार पाए। तो कुछ स्पीयर बन के रेडी हो गए एंड चलो ट्राई करते हैं। अभी अपने को सिर्फ वो ढूंढना है, मेगा पिरानास। भाई किधर है मेगा पिराना? अबे इधर तो दिख भी नहीं रही है। लगता है इधर जो है ना मेगा पिरानास है ही नहीं। भाई यार यहाँ पे मैंने मेगा पिरानास को काफी ज्यादा ढूंढने का ट्राई करा एंड मेरे को एक भी मेगा पिरानास नहीं मिली। ओके एक मेगा पिरानास तो आई गाइस, मिल गई। मारो इसको। अबे ऑटर मारना। ओके मार रहा है ऑटर इसको, इसको ही मार दे दो ऑटर को, देखते गाइस क्या लेके आएगी। दिखाएगा भी मेरे को कि मैं ये फार्म करके आया हूँ। ओके गाइस फाइनली लगता है मेरे को ब्लैक पल्स लाई है। देखो मैं बताता हूँ, इसकी इन्वेंटरी ओपन करके एक ब्लैक पल्स लाई है। ओके इन्वेंटरी ओपन करते काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। ओके गाइस वहां पे तो मेरे को और मेगा पिरानास नहीं मिले, तो यहाँ पे जो है ना मेगा पिरानास है, तो मैंने डिसाइड करा यहाँ पे इस मेगा पिरानास को मारने का ट्राई करते हैं अपने ऑटर से। लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या क्या मिलता है। यार काफी ज्यादा मेगा पिरानास आ चुकी है। अबे ऑटर मारना इनको। अरे गाइस गलती से नहीं मार दिया आई थी। नहीं अबे मैं क्यों मार दिया। ऐसे करते हैं ना, ऑटर को आराम से इसको मारने का ट्राई करने देते हैं। अपने पास यार थोड़े से यहाँ पे स्लीकअप पल्स हो चुके हैं फार्म करते करते, ठीक है।
तो अभी मैं लेवल अप करता हूँ, फिर हम लोग थोड़ा सा और ट्राई करते हैं फार्म करने का। ओके, स्पीयर बनाने के लिए मेरे को थोड़ा सा वुड चाहिए, तो मैं फटाफट से वुड वगैरह फार्म करता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे दो स्पीयर बन रहा है एंड दो स्पीयर में देखते हैं यार, इतने में ट्राई तो हो ही जाएगा, नहीं तो एक अपनी आयरन की ना स्पीयर बनाऊंगा मैं एंड उससे जो है ना हम ब्लैक पल्स वगैरह फार्म करने का ट्राई करेंगे। आ जाओ, अबे ऑटर मार इसको। अरे यार मैं क्यों फार्म कर रहा हूँ, मैं मार दे रहा हूँ यार उसको, मुझे मारने नहीं देना है यार। कुछ नहीं लाया होगा, देखो अगर मैं हार्वेस्ट कर दूंगा ना, अगर मैं मार दूंगा तो यार ये कुछ भी नहीं लेके आएगा, इसको खुद मारने देना है और ये खुद हार्वेस्ट करेगा। लेट्स सी। ओके, अभी क्या लेके आया देखते हैं। ओके गाइस, ये ब्लैक पल्स फार्म करके आया या सिलिका पल्स, कुछ ना कुछ तो थे। इन्वेंटरी खोल के देखता हूँ। ओके गाइस, ये देखो ब्लैक पल्स फार्म करके आए एक, एंड मेरे पास जो है ना टोटली 21 ब्लैक पल्स हो चुकी हैं यार, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप यार आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना, एंड मन करे तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।